चल लेट्स गो। सो जो लोग क्वेश्चन एयर के लेक्चर के लिए आए हैं, हम शुरू करने वाले आज एडिशनल डायरेक्टर अल्टरनेट, जो रेगुलर वाले, एक मिनट के लिए थोड़ी सी राह देखना। स्ट्रीम क्रिएट किया है मेरे को, क्वेश्चन एयर लेक्चर वालों के लिए भी क्रिएट करना है। सो 1/6 मिनट जो आए हैं क्वेश्चन एयर लेक्चर्स के लिए, उनको सबको वेलकम। ठीक है, रेगुलर बैच वालों को तो पहले से ही वेलकम है। ठीक है, सो जो क्वेश्चन एयर लेक्चर के लिए आए हैं, हम क्वेश्चन एयर डिस्कस करने वाले इस सेक्शन में एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर जो है सेक्शन 161। फिर अगर समय बचा हमारे रेगुलर बैच के हिसाब से तो हम एनसीएलटी भी इसी के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, विच इज रिगार्डिंग ड्राफ्ट रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। आप देख सकते हो यहां पे ड्राफ्ट रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं क्वेश्चनर लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उनको बोलना चाहूंगा ये रिजोल्यूशन आपने आपके बिहाफ पे पढ़ना जब आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाए, क्योंकि रिजोल्यूशन में रीडिंग का कंटेंट ज्यादा होता है रादर देन राइटिंग। ठीक है, अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, तो सब जन आ जाइए। क्वेश्चन है क्वींस लिमिटेड इज अ कंपनी, 71। क्वींस लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड एट अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑफ अ कंपनीज आर्टिकल एम्पावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। The board of director therefore appoint K as an additional director. It may, however, be pointed out earlier the proposal to appoint K as an additional director of the company's board was rejected by the members at the company's annual general meeting. मतलब मिस्टर के को कंपनी एडिशनल डायरेक्टर बनाना चाहती है, पर उसको एक्चुअली एजीएम ने रिजेक्ट करके रखा है। ही इज एलआरआर डायरेक्टर, एलआरआर मतलब लॉस्ट डायरेक्टर और रिमूव्ड डायरेक्टर और रिजेक्टेड डायरेक्टर। लॉस रिमूव या रिजेक्टेड डायरेक्टर है सर। व्हाट इज लॉस रिमूव रिजेक्टेड डायरेक्टर? लॉस्ट मतलब जिसके डायरेक्टरशिप के लिए रेजोल्यूशन लिखा लेकिन लॉस हो गया। रिमूव मतलब जिसको 169 में हकाला गया है, और रिजेक्टेड डायरेक्टर मतलब जिस डायरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया है अपॉइंटमेंट से एजीएम ने, वो बंदा कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये हमने बेयर टेक्स के अंदर पढ़ा है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर है नो। दूसरा सवाल, वेदर कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग कैन अपॉइंट मिस्टर के एज एडिशनल डायरेक्टर व्हेन द प्रपोजल टू अपॉइंट कम्स बिफोर अ जनरल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, जनरल मीटिंग इसको अपॉइंट कर सकती है, सिर्फ जनरल मीटिंग ही इसको अपॉइंट कर सकती है, बोर्ड खुद अपॉइंट नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ एजीएम ऑफ द कंपनी इज नॉट हेल्ड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, डिसाइड वेदर मिस्टर के हु वॉज अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर फॉर फर्स्ट टाइम कैन कंटिन्यू एज पर द डायरेक्टर। नो, ही शॉल वैकेट ऑन ड्यू डेट। ऑन क्या लिखवा जो से ड्यू डेट। तो अब मैं आंसर में एडिशनल डायरेक्टर के क्या क्या लिखूंगा, तो मैं एडिशनल डायरेक्टर के आंसर में क्या क्या लिखूंगा मैं जरा नोट करवा के दे दूं यहां पे। सबसे पहले प्रोविजन के अंदर मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा एडिशनल डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है उसका प्रोसेस। फिर दूसरा मैं लिखूंगा एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर, बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर के टेन्योर पर सवाल पूछा गया है। क्लियर है? और थोड़ी बहुत एडिशनल डायरेक्टर की एडिशनल प्रोविजन, क्लियर है, जो मुझे सही लगती है, यह चीज मैं यहां पे लिखूंगा। सो आ जाइए जरा देखते हैं। अब यहां पे मैंने डायरेक्ट मिस्टर के से आंसर किया है, प्रोविजन के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया है, और आंसर काफी छोटा किया है क्योंकि डायरेक्ट सवाल है, लेकिन आप इसको प्रोविजन एक्सप्लेनेशन आंसर में ढाल सकते हो जैसे मैंने अभी आपको प्रोविजन लिख के दिया। सो एज पर सेक्शन 161 पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, देखो फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर सिंस अर्लियर प्रपोजल टू अपॉइंट के एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी वाज रिजेक्टेड बाय द मेंबर एट द एनुअल जनरल मीटिंग मिस्टर के कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। क्लियर है? द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर इज एक्सप्रेसली कॉन्फर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 ऑफ 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंगली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मेंबर्स टू एक्सरसाइज द पावर, not possible for members to exercise the power. Thus, additional director cannot be appointed at annual general meeting of the company. ये Blair O'Pair Health Registrar of Companies ने बोला है। However, in some exceptional cases, like when there is a deadlock in the board of director or where a director becomes interested in the power of additional director, may be exercised by member, ये बोला है Barron versus Potter में। Normally appoint नहीं कर सकते, article silent है या exceptional case है तो appoint कर सकते। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है उनको ये अजीब जाएगा, उनको ये लगेगा जो सिर्फ क्वेश्चन या लेक्चर देखना है रेगुलर लेक्चर नहीं, उनको लगेगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो सकता। तो मैं ये बोलता हूं बेटा, ये अब एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है एज इट इज अ क्वेश्चन ईयर, क्योंकि रेगुलर बेस में हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो सकता है, आप प्लीज 152(2) को पढ़िए एक बार, आपको समझ में आएगा। और साथ में बैरॉन वर्सेस पॉटर केस को आप रेफर कीजिए, हमने ओरिजिनल लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझा है, तो आपको इसको खुद देखना पड़ेगा। नहीं तो नियरली 20-21 मिनट इसके ऊपर ही डिस्कशन में जाएंगे, 20-25 मिनट, हो सकता है आधा घंटा भी। सो प्लीज आप इसको याद रखें, अपॉइंट हो सकता है। सो एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस
टू डेट डेट, सो ऊपर वाले का आंसर मैंने दिया जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो सकता है क्या, तो मैंने आंसर कर दिया यस। एन एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। देयरफॉर इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड अप टू द लास्ट डे ऑफ एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड एज पर 96 द कंपनीज एक्ट, मिस्टर के शॉल वैकेट द ऑफिस ऑन द लास्ट डे ऑन विच द एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड। क्लियर है, मिस्टर के ऑफिस वैकेट करेगा जिस दिन आपका एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए था, सॉरी मिस्टर के ऑफिस वैकेट करेगा जिस दिन एजीएम होल्ड होना चाहिए था। क्लियर है आंसर, तो ये चीज को याद रखना। मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं, मई 17 का सवाल है। मिस्टर अभी वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द पायोनियर लिमिटेड 14th मार्च 2006 को अपॉइंट किया, मतलब ये सितंबर 2016 में वैकेट कर सकता है। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2016 बट ड्यू टू हेवी रेन्स फ्लड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी डिस्ट्रॉइड। Order to rebuild the records, the company approached the registrar of company for extension of the time for holding an annual general meeting. Extension of time, याद आया हमने regular batch के अंदर इस point को बकायदा mark करके रखा था कि अगर ROC due date of AGM बढ़ाती है तो क्या additional director continue कर सकता है क्या? So 30th December का time extend हुआ in the light of Companies Act of Advice, Mr. Abhi who was appointed as additional director during the year. तो याद रखना यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर कैन कंटिन्यू, जो क्वेश्चनर देखने आए माइट भी उनका ये नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली बड़े बड़े डिस्कशन का पॉइंट है तो मुझे माफ करना, पर मैं आपको स्मार्ट आंसर दे रहा हूं एंड में ब्रीफ में। एडिशनल डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस टिल एक्सटेंडेड डेट ऑफ एजीएम, एक्सटेंडेड डेट ऑफ एजीएम। क्लियर है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। सो आ जाइए, इफ ए, हाँ ये सवाल अच्छा है, स्टार मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, इफ एओ इज साइलेंट देन जनरल मीटिंग ऑथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, बी अपॉइंटेड बाय जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इफ एओ गिव्स द पावर तो बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। मैंने ऑलरेडी बोला है कि 152(2) के हिसाब से जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। पावर टू अमेंड एओ is given to general meeting by passing a special resolution. So it will not be wrong to say that power to appoint additional director shall be given to general meeting to the board through AOA. Then board can appoint an additional director. Chalo. A person who fails to get appointed as additional director in AGM cannot be appointed as additional director. Additional director shall hold office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which annual general meeting should have been held, whichever is earlier. जो लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर, इस दिन तक के ही वो होल्ड करेगा। एज पर स्टेटेड फैक्ट बिफोर अ शेड्यूल्ड एनुअल जनरल मीटिंग 29 सितंबर 2016 टेक्स प्लेस ड्यू टू रेन फ्लड्स द रिकॉर्ड्स कंपनी वगैरह ये सब हो गए। एज पर थर्ड प्रोविजन ऑफ 96 कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रार में स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट विच एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शॉल बी हेल्ड बाय पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग, कितना बोले एक बार 3 months, तो आरओसी 3 महीने से टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है। Accordingly, Mr. Abhi continue as additional director of the Pioneer Limited till 38 December. If for any reason AGM is not held up to 38 December, Mr. Abhi shall have to vacate the office on 30th December. Clear? सवाल अच्छा है, एग्जाम में पूछा सकता है, स्टार मार्क करके रखना। अगला सवाल 73. The article of association of company have fixed the maximum strength of board of directors as 12. AOA का लिमिट भैया 12 है। At present, board has 9 directors, of whom 6 are liable to retire by rotation and 3 are not liable to retire by rotation. The board wishes to appoint 3 additional director. Can they appoint desire as per the provision of Companies Act? बिल्कुल कर सकते हैं, because additional director ना rotational होता है ना non-rotational होता है। तो यहां लिख के रखना, AD is neither rotational nor non-rotational. और आर्टिकल इज ऑल्सो अलाउिंग एंड एओए अलाउज द लिमिट। सो ऐसे सिचुएशन में हम यहां पे लिखेंगे एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, रोटेशन नॉन रोटेशन का प्रोसेस। देखो पहले मैंने क्या क्या मेंशन किया है, पहले एडिशनल डायरेक्टर का प्रोविजन, फिर रोटेशनल नॉन रोटेशनल का प्रोविजन, और उसके बाद नीचे आंसर में। सो दस 3 एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड इन द अबाउ केस एड इज परमिटेड
दिस विल नॉट इवन वायलेट द प्रोविजन ऑफ 152(6) एज एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अकाउंटेड फॉर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन सच अ केस. द ओनली रिक्वायरमेंट रिमेन दैट सच अ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉल बी ऑथोराइज्ड बाय एओए. दैट्स इट. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप काउंट नहीं होते, तो टेंशन किस बात का. अगला 74. यू आर सीएफओ एंड इंचार्ज ऑफ लीगल कंप्लायंस ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर ब्रॉड बेस्ड एंड कंप्राइज ऑफ कॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स हु आर इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स. मिस्टर एक्स हु इज अ डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट ऑन द बोर्ड इज वेरी ऑफन एन बिजनेस टूर. ये बिजनेस डेवलपमेंट का डायरेक्टर बिजनेस टूर पे रहता है. ही अप्रोच यू एंड वांट टू नो फ्रॉम यू द रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर. हम अल्टरनेट डायरेक्टर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं. एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन सुटेबली. मिस्टर एक्स रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. टू हाउ मेनी डायरेक्टर कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर एंड हाउ मेनी वोट्स डज ही हैव इन द बोर्ड मीटिंग. सो वन डायरेक्टर ओनली you can be ALD and you will have one vote. Clear? Dusra. If original director joins the board meeting through video conferencing and without returning to India, then can alternate director appointed in his place attend the same board meeting? If yes, whose presence and vote will be counted? Ab normally jab aisa sawal aata hai na ki board meeting attend kar sakta hai, baad mein likha dekho if yes. इसका मतलब पहले वाले सवाल का जवाब यस ही रहेगा. इसलिए तो उन्होंने दूसरा पूछा है इफ यस, नहीं तो दूसरा पूछते क्यों थे. सो नॉर्मली जब आपको दिखेगा इफ यस या इफ नो, तो पहले वाले सवाल का जवाब नो या यस ही रहेगा. इफ यस हुज प्रेजेंस और वोट विल बी काउंटेड, तो यहां ओरिजिनल डायरेक्टर विल बी काउंटेड. वो सिर्फ मीटिंग में बैठ सकता है, अटेंड कर सकता है, दैट्स ऑल. In case of private company, whether an alternate director is appointed in the place of non-executive director whose term is indefinite, then what will be the tenure of such an alternate director provided original director does not return into India for a period of 3-4 years. So, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा alternate director. अब देखो original director ये आपको पढ़ना पड़ेगा cross refer 167 subsection 1 clause B के साथ कि अगर कोई director 12 board meeting से at a stretch absent रहता है तो उसको वैकेट करना पड़ेगा. तो अगर डायरेक्टर 3-4 साल के लिए अब्सेंट है तो 12 महीने के बाद में ऑटोमेटिकली अपना अल्टरनेट डायरेक्टर भी ऑफिस वैकेट करेगा क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट होगा और वहां सीवीडी आ जाएगा. सो 167 के हिसाब से ओरिजिनल डायरेक्टर विल वैकेट द ऑफिस, ठीक है, आफ्टर 12 मंथ्स. लिख के रखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा सकता है, स्टार मार्क करके रखिएगा बच्चों, ठीक है. सवाल अच्छा है, आई गेस ये लास्ट अटेम्प्ट का ही सवाल होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ देखिए नवंबर 19 का ही सवाल है बच्चों, ये क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना. सो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. सो वैकेट द ऑफिस आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद ऑफिस वैकेट करना जरूरी है 161(b) में, क्लियर है. तो ऑब्वियसली ALD विल ऑल्सो वैकेट द ऑफिस, क्लियर है. अब देखो मैं आंसर्स के अंदर क्या लिखूंगा, अल्टरनेट डायरेक्टर के सभी प्रोविजन लिखूंगा एक बार मैं पढ़ता हूं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है. बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है. When original director is on leave for a period of 3 months from the India, further provide that he already holds the alternate directorship for any other director in company, तो alternate director बन नहीं सकता, cannot be appointed. He hold any other directorship in the same company, तो भी वो alternate director बन नहीं सकता. नीचे alternate director shall vacate office when the original director return back to India. Further alternate director not hold office for a period longer than permissible to original director. नीचे in the given case discussed follow. A person can be appointed as alternate director for not more than one director of a company in one board meeting. An alternate director shall have one vote only. Clear? एक ही director के लिए एक vote. There is no provision in the Companies Act जो इसको ban ये करती है, video conferencing के through attend करने के लिए ban करती है. In such a situation, alternate director present should be ignored and accordingly the vote of original director should be considered. क्योंकि original director present है तो हमारे लिए वो important है. Alternate director appointed for a private company has been appointed for life. Alternate director shall continue till original director returns to India or term of the original director expires from the office of director, whichever is earlier. But as per 167, office of director become vacant if the absent himself from all the board meetings held during a period of 12 months. Okay? Accordingly,
द ओरिजिनल डायरेक्टर डज नॉट रिटर्न बैक टू इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ से 3-4 ईयर द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर हेल्ड बाय हिम शॉल बिकम वैकेंट एज सून एज पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक्सपायर ड्यूरिंग विच ही इज नॉट अटेंडिंग अ बोर्ड मीटिंग ऑन वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर द ऑफिस हेल्ड बाय द अल्टरनेट डायरेक्टर शॉल बिकम वैकेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ ALD कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ही ALD का अपॉइंटमेंट किया जाएगा कैनॉट बी मेड बाय एनी अदर डायरेक्टर दूसरा डायरेक्टर इसको कर नहीं सकता क्लियर है तो सवाल अच्छा है मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार इसका आंसर आप वापस पढ़िए आपको ध्यान रहेगा ठीक है होमवर्क में पढ़िएगा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है हम बढ़ते हैं आगे क्लियर है सवाल अच्छा है मार्क करके रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सुरेश इज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज रेगुलर डायरेक्टर इन एनुअल जनरल मीटिंग ठीक है जिसको एडिशनल डायरेक्टर बनाया था उसको रेगुलर डायरेक्टर आप बना चाहते हो एनुअल जनरल मीटिंग में मतलब ये सेक्शन 161 प्लस 160 का क्वेश्चन है मतलब अच्छा सवाल है मार्क करके रखता हूं और मैंने बोला था रेगुलर बैच में क्वेश्चनर वालों को ये समझ में शायद नहीं आएगा डोंट वरी ही इज द सेकंड बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलर डायरेक्टर क्योंकि इसने काम किया है आपने इसका काम देखा है तो ही इज द सेकंड बेस्ट पॉसिबल पर्सन फर्स्ट बेस्ट इज अ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर उसके पीछे स्पेसिफिक डिस्कशन और रीजन है पर आप इसको याद रखना इज अ सेकंड बेस्ट पॉसिबल कैजुअल वैकेंसी इज फर्स्ट बेस्ट ठीक है एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट कैसे हो सकता है तो पहले देखो मैं 161(1) कोट करूंगा जहां तक हो सकता है पूरा ठीक है और फिर मैं 160 कोट करूंगा तो मैंने 161(1) कोट किया फिर मैंने 160 कोट किया और ये दोनों ही प्रोसेस होगी फिर आंसर में मुझे कुछ ज्यादा कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है हाँ आंसर ही इटसेल्फ बहुत लंबा चला जाएगा दैट इज अ डिफरेंट मैटर ठीक है मैं चाहूंगा डायरेक्ट प्रोविजन है आप एक बार इसको रीड करके देखिए गो फॉर इट बच्चों फास्ट
चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका, लेट्स गो। अब ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 75, आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 76, आ जाइए, रेडी, लेट्स गो। प्रिंसेस लिमिटेड डिजायर्स टू अप्रोच एडिशनल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कॉन्फर अपॉन अ बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर टू अपॉइंट सच अ डायरेक्टर। ठीक है, सो द आर्टिकल ऑफ द कंपनी पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टू अपॉइंट सच अ डायरेक्टर। मिस्टर एम अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामाइन वेदर मिस्टर एम कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज नॉट हेल्ड विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड और एडजॉन टू अ लेटर डेट। तो आंसर है नो, ही शुड वैकेट द ऑफिस। और हमने ये भी देखा था इन डिटेल रेगुलर बैच में कि वैकेट द ऑफिस एज स्टार्ट ऑफ एजीएम, स्टार्ट ऑफ एजीएम। ठीक है, जो सिर्फ क्वेश्चन एयर देख रहे होंगे उनको शायद पता नहीं है, पर इसके ऊपर एक डिसाइडेड केस लॉ है, आप मेरे ओरिजिनल बुक में से कहीं से भी ढूंढ सकते हो, यू विल गेट दैट कि आपने एजीएम के स्टार्ट में ऑफिस वैकेट करना चाहिए एडिशनल डायरेक्टर ने, एंड में नहीं। ठीक है, या एडजॉन होता है तब नहीं, स्टार्ट जब एजीएम स्टार्ट होगा उस वक्त, हाँ अगर एजीएम ही नहीं हुआ तो ड्यू डेट पे। ठीक है, कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर बी एक्सरसाइज बाय एनुअल जनरल मीटिंग? यस, एक तो 152 सबसेक्शन 2 में, या तो फिर बैरॉन वर्सेस पॉटर में, बैरॉन वर्सेस पॉटर में, क्लियर है। एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी व्हाट चेक वुड यू मेक आफ्टर एम इज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर? एज अ सीएस आप कौन से चेक करोगे? ठीक है, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए कि कौन कौन से चेक करोगे। तो हम देखेंगे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ क्या, DIR 2 DIR 12 फाइल किया क्या, एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एज पर लॉ वैलिड है क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर था क्या, जनरल मीटिंग ने अपॉइंट किया तो एक्सेप्शनल केसेस थे क्या, ये सब चीजें हम यहां पर चेक करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो देखिए हम आंसर पे आते, बाकी तो प्रोविजन सेम ही रहने वाली है नियरली हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने एडिशनल डायरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली बैरॉन वर्सेस पॉटर का केस मेंशन करके रखा है जो आपको पढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद में ये देखो ये खास है कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम क्या चेक करेंगे, वे पढ़ते हैं, ही मस्ट हैव गॉट द डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम ये चेक करेंगे, मस्ट हैव फर्निश द डिन एंड डिक्लेरेशन, इसके लिए हमको फर्निश करना है DIR 2 कंसेंट के लिए, डिक्लेरेशन के लिए DIR 8, क्लियर है। ही मस्ट हैव गिवन हिज कंसेंट, कंसेंट के लिए हमने ऑलरेडी बोला, एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन DIR 2 विद इन 30 डेज, कंपनी ने DIR 12 ROC के पास 30 दिन में फाइल करना चाहिए। हिज अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इधर बाय बोर्ड रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, हिज नेम इज एंटर्ड इन द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स इन द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन नंबर 170। सो इतनी चीज है, ये स्टार मार्क चीज है, मेरे को अच्छी लगी कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप क्या लिखोगे, पूछने लायक सवाल है, और पूछेंगे तो ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको लिख नहीं पाएंगे, पर हम इसको मार्क करके रखते हैं। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 161 टू अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर का हालांकि एक सवाल हो चुका है हमारा, बट फिर भी पी हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर एग्जामाइन पी इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकता, इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड, बोर्ड ने अपॉइंट किया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अल्टरनेट डायरेक्टर। पी ये अल्टरनेट डायरेक्टर करके अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जगह पे, जब वो खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकता, गलत किया। ठीक है, हमारा सिंपल रूल है नो पर्सन शॉल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही हिमसेल्फ कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यह बोला गया है सेक्शन ने बाकायदा, थस द सेड अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना, छोटा सा सवाल था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे ये सबको याद है, वैसे इंडिपेंडेंट के लिए इंडिपेंडेंट चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ AJD लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर एन एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए, गलत बात है, हमको मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए। ठीक है, हु हैज प्रोसीडेड अब्रॉड फॉर अ लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अगेंस्ट अ डायरेक्टर जो 6 महीने के लिए बाहर गया है, बोले जो लीव 6 महीने के लिए डाल के गया और तुमने उसको 2 महीने के लिए अपॉइंट किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर साइलेंट, आर्टिकल साइलेंट है कंपनी का, तो फिर अपॉइंट कैसे किया? ALD को जनरल मीटिंग अपॉइंट नहीं कर सकती, इफ AO इज साइलेंट देन ALD कैनॉट बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड नीदर जनरल मीटिंग। ठीक है, खराब सवाल है, एकदम खतरनाक सवाल है, मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत अजीब, पढ़ के ही तुम्हारा दिल दहल जाएगा। आइए आंसर पढ़ते, क्या बोला है,
अकॉर्डिंग टू 161(2) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल और बाय रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग टू अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज अल्टरनेट डायरेक्टर ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स इन अ गिवन केस डिस्कस इन अ प्रेजेंट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजेडी लिमिटेड एंड एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अगेंस्ट द डायरेक्टर हैज प्रोसीड अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट द सेड अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड बिकॉज द पावर टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट ऑथोराइज बाय आर्टिकल नॉर बाय रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग क्लियर है एंड यहां पर एक और एड करो एंड पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड ये भी एड करो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड अगर अलग से किसी सेक्शन में कभी पूछा क्वेश्चन में तो अगला एमटीपी अगस्त 18 मिस्टर सिंगल अ डायरेक्टर ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड गोज टू सिंगापुर सिंगल सिंगल तुम्हारा स्टेटस नहीं तुम्हारा स्टेटस तो झंड है सिंगल तो ऐसे गोज टू सिंगापुर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बोर्ड अपॉइंट इन हिज रिप्लेसमेंट मिस्टर रिप्लेसमेंट एज अल्टरनेट डायरेक्टर मिस्टर रिप्लेसमेंट हु वॉज होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप इन एक्सवाइजेड लिमिटेड अच्छा मिस्टर रिप्लेसमेंट वॉज ऑल्सो होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप इन एक्सवाइजेड ये ऑलरेडी एक्सवाइजेड का एनईडी था आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड ऑलरेडी आप जिस कंपनी में डायरेक्टर हो उसके दूसरे डायरेक्टर के लिए आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते देखिए पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर द अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एएलडी सो इन द गिवन केस ऑफकोर्स अपॉइंटमेंट ऑफ द सिंगल एज अल्टरनेट डायरेक्टर इज इनवैलिड ठीक है अच्छा ये भी अच्छा सवाल था एग्जाम में पूछा जा सकता है मतलब हमको आज अच्छे अच्छे सवाल काफी सारे मिल रहे हैं और एएलडी सीवीडी एडी ये इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट है ठीक है आगे आप देख सकते हो सिर्फ एक सेक्शन पे नियरली 20 सवाल उन्होंने दिए हैं ठीक है आगे ए अ डायरेक्टर गोज अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स एंड द अल्टरनेट डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस ठीक है ए डायरेक्टर गोज अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना है 3 मंथ्स एंड अल्टरनेट डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस अंडर सेक्शन 161(2) ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द अब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर ए बोर्ड मीटिंग वॉज कॉल्ड इन द कनेक्शन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस हुम शुड बी नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड बी गिवन किस किस को नोटिस देना है ओरिजिनल डायरेक्टर को भी देना है अल्टरनेट डायरेक्टर को भी देना है क्लियर है दोनों को नोटिस देना है दोनों अटेंड कर सकते हैं देखो इसमें आपको क्रॉस रेफरेंस 173 का लगेगा बेटा ठीक है तो थोड़ा 173 का ज्ञान होना जरूरी है हालांकि हमारा अभी तक 173 ना ही क्वेश्चनर में हुआ है अगर आप क्वेश्चनर के सीरीज के हिसाब से चाहिए ना ही रेगुलर बैच में हुआ है पर मैं यहां पे 173 का प्रोविजन पढ़ता हूं जो काम का है दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड शॉल बी कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट 7 डेज नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी नोटिस शॉल बी सेंड बाय डिलीवरी टू पोस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और यहां पर यह लिख के रखना नोटिस टू ओरिजिनल डायरेक्टर एंड अल्टरनेट डायरेक्टर बोथ एक्सप्लेन इन द गिवन केस डिस्कस बिलो इन अ प्रेजेंट केस अ डायरेक्टर गोज अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स एंड अल्टरनेट डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस अंडर 161(2) ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग वॉज कॉल्ड देर इज नो लीगल प्रिडिसिंग वेदर द नोटिस ऑफ द मीटिंग इज be sent to original alternate director but as a matter of prudence notice of the meeting may be served to the both the alternate directors as well as original director matlab iske liye koi section nahi hai par aapne dono ko notice dena chahiye as a matter of prudence ye cheez ko yaad rakhna clear hai agla sawal question 81 explain the validity of the following mr q a director of pqr limited q director of pqr limited proceeding to long a foreign tour appointed mr y as an alternate director to act for him during his absence y ko appoint kiya hai for him during his absence the article of the company provide for the appointment of alternate director mr q claims that he has a right to appoint alternate director kya original director alternate director ko appoint kar sakta hai no od answer likh ke rakho no od cannot appoint आप भी लिख के रखिए जितना मैं मार्किंग करता हूं ना बेटा एएलडी आप भी करके रखते जाइए मतलब अब जब रिवाइज करोगे तो फटाफट देख लोगे तो हो जाएगा मिस्टर नारायण सिमिलर सवाल है और डायरेक्टर ऑफ केपीआर लिमिटेड हु इज प्रोसीडिंग अलोंग अ फॉरेन टूर अपॉइंटेड सेम सवाल है ठीक है मिस्टर नारायण क्लेम दैट ही हैज अ राइट टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर नीचे आंसर में पूरा प्रोविजन लिखा है Hmm.
हाँ ये वाला देखिए, द पावर टू अपॉइंट एएलडी इज वेस्टेड ओनली विद द बोर्ड इफ ऑथोराइज बाय एओए. ओरिजिनल डायरेक्टर हैज नो राइट टू अपॉइंट एएलडी, इवन इफ सच अपॉइंटमेंट इज मेड विल बी वॉइड. ओरिजिनल डायरेक्टर को कोई राइट नहीं एएलडी अपॉइंट करने का, फिर भी किया तो वॉइड है. ओरिजिनल डायरेक्टर डू नॉट हैव एनी राइट टू रिफ्यूज और एक्सप्रेस द डिसलाइकिंग अबाउट द अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट. ना ही ओरिजिनल डायरेक्टर ना रिफ्यूज कर सकता है ना डिसलाइक क्रिएट कर सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर. देयरफॉर क्यू इज नॉट ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर. इन अबव सिचुएशन क्यू इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन एएलडी शॉल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी अ डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये सजेशन करके दिया है, क्लियर है. चल अगला 82. A public company proposes to appoint alternate director for one of its director who is likely to be outside India for a period of 1 year. There is no specific provision in the articles of the association regard said the steps to be taken by the company to give effect to the proposal. Draft a specimen resolution for appointment of alternate director. Specimen resolution पूछा है, star mark करके रखिए, exam में पूछा सकता है. तो resolution के question हमेशा institute के favorite होते हैं, एक खाया तो वो पूछते ही है, ठीक है, कि कौन सा वाला resolution आपने pass करना चाहिए. ठीक है, स्टेप्स टू बी टेकन बोला है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, तो नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन ही है. सर मुझे रिजोल्यूशन वाला एरिया काम का लग रहा है, इसलिए मैंने रिजोल्यूशन को स्टार मार्क करके रख दिया. मैं चाहूंगा एक बार आप रिजोल्यूशन रीड करके देखिए, इट विल हेल्प यू. ठीक है, इसको आप प्लीज स्टार मार्क भी करके रखिए. चलो डन हो गया सबका. उसके बाद में सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन नंबर 3 के ऊपर हम जा रहे हैं. पिन किधर गया, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी डायरेक्टर. ठीक है, आ जाइए. ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पीक्यूआर लिमिटेड डिसाइड्स टू अपॉइंट इट्स बोर्ड मिस्टर पीट अ नॉमिनी डायरेक्टर. Article of Association of Company do not confer upon the Board of Director any such a power. Further, there is a no agreement between the company and the bank for any such a. अब article अगर पावर देगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं. देखो, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ द कंपनी. ठीक है, मतलब आर्टिकल अगर बोले तो अपॉइंट कर सकते हैं. अब ये पावर वगैरह तो कुछ नहीं दिया है. सो दस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पीटर एज अ नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट वैलिड. नॉट वैलिड एज आर्टिकल डू नॉट कॉन्फर अपॉन अ बोर्ड एनी पास पावर, तो स्ट्रेट अवे अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा. क्लियर है.
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शक्ति लिमिटेड डिसाइड्स टू अपॉइंट ऑन इट्स बोर्ड मिस्टर रवि एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक विच हैज एक्सटेंडेड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंपनी द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी डू नॉट कॉन्फर द पावर ऑन सच अ बोर्ड. तो बताइए अपॉइंटमेंट वैलिड है क्या. सेम रिपीट सवाल है. इन द गिवन केस डिस्कस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट कॉन्फर अ पावर अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट मिस्टर रवि ठीक है विच एक्सटेंड्स फॉर लॉन्ग टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंपनी. समझ में आ रहा है सबको. हाँ है ना. तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. अगले चीज के ऊपर जाते हैं. बड़े अच्छे से ध्यान देना. ऑथोराइज बाय आर्टिकल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पारस मेडिसिन लिमिटेड मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट. मिस्टर एंडरसन हु कुड नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर. जरा देखना सवाल मेरे को पहले से ही थोड़ा सा दिमाग खराब लग रहा है. 85th ठीक से देखना. ऑथोराइज बाय आर्टिकल पहले ही वर्डिंग डाला है. ऑथोराइज बाय आर्टिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पारस मेडिसिन लिमिटेड अपॉइंट फॉलोइंग मिस्टर एंडरसन हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर. वैलिड है इनवैलिड है. स्ट्रेट अवे आंसर है इनवैलिड. एल आर आर डायरेक्टर लॉस्ट रिमूव रिजेक्टेड डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर बन नहीं सकता. उसके बाद में दूसरा. इन परस्यूएंस ऑफ एग्रीमेंट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिस्टर ब्लैक इज अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी डायरेक्टर. इन परस्यूएंस ऑफ द एग्रीमेंट नॉमिनी डायरेक्टर और आर्टिकल ने ऑथोराइज किया है क्या अपॉइंटमेंट हो सकता है. यस yes, हो सकता है बिकॉज एओए अलाउड. क्लियर है. लेकिन इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. ऑर्डिनरी. मिस्टर मोहन अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ द 3 months. 3 महीने के लिए चलेगा. मिस्टर मोहन ऑलरेडी होल्डिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर सम अदर डायरेक्टर इन सेम कंपनी. सो ये अपॉइंटमेंट इनवैलिड है बिकॉज ओनली वन एएलडीशिप अलाउड है. क्लियर है. डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द अबव केस अपॉइंटमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. जब ऐसे सवाल आए दो तीन एक साथ तो आपने आंसर पॉइंट वाइज करना चाहिए. ऐसे सवालों के जवाब आंसर सच अ क्वेश्चन पॉइंट वाइज. मतलब पॉइंट वाइज मतलब उसी पॉइंट में प्रोविजन उसी पॉइंट में आंसर. ठीक है. तो मैं चाहूंगा आप इसका प्लीज आंसर पढ़ के देखिए. मैंने आई गेस पॉइंट वाइज ही आंसर देके रखा है. ठीक है. तो आपको समझ में आ जाएगा. गो फॉर इट फास्ट. आंसर पढ़ लीजिए.
हो गया सबका, अब हम जा रहे हैं कैजुअल वैकेंसी के डायरेक्टर के क्वेश्चन पे। हालांकि ऐसे कुछ बाइफर्केशन नहीं है, सभी मिक्स ही है बोलना, बट स्टिल क्वेश्चन 86। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर ए एज अ डायरेक्टर ऑफ कैजुअल वैकेंसी कॉज बाय रिजिग्नेशन ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर ए इज प्रपोज टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट एनुअल जनरल मीटिंग व्हेन ही वैकेंस द ऑफिस। एग्जामाइन विद रेफरेंस टू रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर मिस्टर ए कैन कंसिडर एज अ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड टू गिव इफेक्ट टू प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए एज अ डायरेक्टर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, सो मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी, रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर ए इज प्रपोज टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, उसको वापस मतलब कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट हुआ है, वापस उसको न्यू डायरेक्टर बना रहे। ही इज द फर्स्ट बेस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द डायरेक्टरशिप। इसमें दो सेक्शन मेंशन करोगे आप, 161 सबसेक्शन 4 और सेक्शन नंबर 160, दोनों के प्रोविजन मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड टू गिव इफेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए एज अ डायरेक्टर एट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, सो अब देखो मैंने इसके अंदर सबसे पहले 161 सबसेक्शन 4 मेंशन किया है। ठीक है, आपको रिलेवेंट ही मेंशन करना है, आपको बेटा ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं, ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। ठीक है, और यहां पे मैंने सेक्शन नंबर 160 मेंशन किया है। ठीक है, फिर ये जो एडिशनल पॉइंट्स है आप इसको कट कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, आंसर कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, पर 160 का रिलेवेंट पोर्शन, 161(4) का रिलेवेंट पोर्शन आप इतने कर दोगे तो अभी आपका काम हो जाएगा। रेडी, फिर उसके बाद में बोला गया है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ए वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड कैजुअल वैकेंसी प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शॉल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू अ डेट ऑन विच डायरेक्टर इन हूज प्लेस ही इज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ इट इज नॉट बीन वेरी वैकेटेड अप टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ कंपनी। देयरफॉर इन द गिवन केस मिस्टर ए वुड बी एलिजिबल टू होल्ड ऑफिस टिल द डेट अप टू विच मिस्टर एक्स वुड हैव हेल्ड ऑफिस। देयरफॉर ए विल नॉट ऑटोमेटिकली कंसिडर एज रिटायरिंग डायरेक्टर एट नेक्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी। इफ ए नीड्स टू बी रीअपॉइंटेड कंपनी नीड टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट ऑफ 160 एज स्टेटेड अबव। क्लियर है, तो इसका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। इट इज नॉट अ रिटायरमेंट, इट इज अ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ कैजुअल वैकेंसी। 160 को प्लीज कंप्लाई कीजिए। DR2 DR12 का सजेशन देख रखा है, यह आप मान सकते हो, आपकी मर्जी। The board of director of XYZ Limited filled up a casual vacancy caused by the death of Mr. P by appointing Mr. C as a director on 3rd April 2014. Unfortunately, Mr. C expired on 15th May 2014 after working about 40 days. After working about 40 days as a director, the board now wishes to fill up the casual vacancy by appointing Mr. C in the forthcoming meeting of the board. Advice. देखो क्या बोला है? ये खतरनाक सवाल है, यही वो सवाल है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फील्ड अप अ कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ ऑफ मिस्टर पी बाय अपॉइंटिंग सी एज अ डायरेक्टर ऑन 3rd April 2014। अनफॉर्चुनेटली सी एक्सपायर्ड ऑन 15th May 2014, मतलब कैजुअल वैकेंसी में भी कैजुअल वैकेंसी हुआ है। आफ्टर वर्किंग अबाउट 40 डेज एज अ डायरेक्टर द बोर्ड नाउ विशेष टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग मिस्टर सी इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड। मिसेस सी को अपॉइंट कर रहे हैं इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इन दिस रिगार्ड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट को एक्सप्लेन करो। दो बार कैजुअल वैकेंसी एक ही जगह पे फिलअप हो रही है, तो सवाल अच्छा है। आइए आंसर में देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन इस केस में मायने रखेगा, प्रोविजन तो इतना खास नहीं है। कैजुअल वैकेंसी वगैरह हुआ ये सब बोला है। ठीक है, सो एक्चुअली बीन फील्ड अप बाय अपॉइंटिंग मिस्टर सी। Mr. C also required to approval of the members in immediate next general meeting, but before any general meeting could be held, Mr. C died. Mr. C AGM के approval, casual vacancy में पहले board approval, फिर general meeting approval, तो board approval के बाद general meeting approval मिलने के पहले ही Mr. C अगर मर गए, then with respect to appointment of C, there is no contravention of section 164(1). For the following casual vacancy, board meeting original first appointment shall be made in the general meeting. Yes, Mrs. C can be appointed in the board meeting for the same. Answer to this question may be differ according to other authors, but in the answer given as per the ICAI. ये चीज को आपने याद रखना, clear? चलो, मतलब एक ही जगह पे दो बार casual vacancy हुई तो fill up हो सकती है क्या? हाँ, अगर original director general meeting में, मतलब first director जो appoint हुआ था आपका, ये appointment के हिसाब से जो first director था, वो आपका ex जैसे, वो आपका appoint होना चाहिए original general meeting में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88।
मिसेस ब्राइट मोटर्स लिमिटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30 सितंबर अपॉइंटेड मिस्टर अनमोल एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. ऑन 2 अक्टूबर 2017 मिस्टर अनमोल सफर्ड अ सीवियर हार्ट फेल्युअर एंड एक्सपायर्ड. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी ऑन 16 अक्टूबर अपॉइंटेड मिस्टर प्रतीक टू फिल द कैजुअल वैकेंसी सो क्रिएटेड. द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक वॉज मेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स बाय द बोर्ड. मेड फॉर 3 इयर्स बाय बोर्ड बोला है, ये हो नहीं सकता, ये गलत है, इट इज अ रॉन्ग, ऐसा बोर्ड कर नहीं सकता. ठीक है, इसका जो अपॉइंटमेंट है फॉर रिमेनिंग पीरियड होगा, 3 इयर्स नहीं, फॉर रिमेनिंग पीरियड. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? सब्सिक्वेंटली एट द एजीएम हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2018 प्रतीक्स अपॉइंटमेंट वॉज नॉट सपोज टू अप्रूव एज द बोर्ड वॉज ऑफ द व्यू दैट देर इज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. But the CFO of the company is of the opinion that the board of director have contravened the provision of the Companies Act in respect of non-approval of the appointment of Mr. Pratik and his office or tenure. देखो यहां से झटका है, ये खास बात है, हैशटैग करके रखो, अच्छे से पढ़ना. Mr. Pratik subsequently at AGM, Mr. Pratik appointment was not proposed or approved as the board was of the view that it is not required. मतलब बोर्ड ने ही उसको अपॉइंट किया और बाद में ही वो बोल रहे कि ये जरूरी नहीं था. बट CFO ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिक्वायर्ड बोर्ड ओपिनियन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव कॉन्ट्रावेंड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. उन्होंने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कॉन्ट्रावेंड किए हैं, ये उन्होंने बोला है. ठीक है, मिस्टर प्रतीक का ऑफिस का टेन्योर वहां खत्म हो रहा है क्या, तो इसके बारे में पूछा गया है. तो जरा आंसर में देखना यहां से. हाउएवर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स इज इन कॉन्ट्रावेंशन. ठीक है, वो सिर्फ जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म बाकी है तभी तक होल्ड कर सकता है. फर्दर एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रतीक ऑट टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग. ये आने वाली जनरल मीटिंग में आपने इमीडिएट अप्रूव करना चाहिए. हाउएवर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक वॉज नॉट इवन प्रोपोज्ड और अप्रूव्ड इन द जनरल मीटिंग. तो ऐसे केस में हेंस द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, देयरफॉर द ओपिनियन ऑफ CFO इज करेक्ट. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ, है ना? सवाल भी अच्छा था ये, तो इसको मार्क करके रखना, 88 वाला. ठीक है, अगला 89. हाँ, अब ये सबसे खतरनाक सवाल है, और आगे से सबसे आखिरी वाला सवाल है. पहले ही इसको मार्क करो, ये सवाल नाम से ही मैं जानता हूं, मिस्टर सचिन नाम का सवाल है. यही वो सवाल है जो मैंने रेगुलर बैच में मेंशन किया था, कैजुअल वैकेंसी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है क्या, और जिस एग्जाम में ये सवाल आया था 85% स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को भी ऑप्ट नहीं किया था. देखना, मिस्टर सचिन वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कॉन्जर्वेटिव फाइनेंस लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 इन कैजुअल वैकेंसी बाय वे ऑफ सर्क्यूलर रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन बाय सर्क्यूलेशन से अपॉइंट हुआ है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग द कंपनी वॉज ड्यू ऑन 31 मार्च, बट द सेम वॉज नॉट हेल्ड ड्यू टू डीले. नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 31 मार्च कैनॉट बी हेल्ड ड्यू टू डिले. मतलब जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ है. इन द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट सम ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी हैव क्वेश्चन्ड वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सचिन एंड कंटिन्यूएशन एज अ एडिशनल डायरेक्टर बियॉन्ड 31 मार्च. एडवाइज द कंपनी ऑफ द कंप्लेन्स टू बी मेड. तो देखो क्या वर्डिंग है, मिस्टर सचिन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी. मिस्टर सचिन को एडिशनल डायरेक्टर करके अपॉइंट किया, वो भी कैजुअल वैकेंसी में. पहला सवाल तो ये हो सकता है क्या? अब जिन्होंने रेगुलर बैच नहीं किया है, मैं उनके लिए आंसर दे दूं यहां पे शॉर्ट में, डिस्कस करने का समय तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं है. तो शॉर्ट में, एडिशनल डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, ऐसे हमने रेगुलर बैच में बहुत सारे केसेस देखे थे, 8-10 जो इंटरलिंक्ड है, तो उसमें से ये एक केस है. एडिशनल डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी इज नॉट अलाउड. क्वेश्चनर वालों को अगर मेरे डायग्राम्स वगैरह मिले किसी मेरे स्टूडेंट से तो प्लीज देख लीजिए, वहां मैंने 8-10 ऐसे सवाल डिस्कस किए हैं कि एडिशनल डायरेक्टर में अगर लीव हो गया तो अल्टरनेट आएगा क्या, अल्टरनेट डायरेक्टर मर गया तो कैजुअल वैकेंसी आएगा क्या, एडिशनल मर गया तो कैजुअल वैकेंसी आएगा क्या, ऐसे बहुत सारे. उसमें से एक केस है, कैजुअल वैकेंसी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है क्या, तो नहीं. इसके पीछे रीजंस क्या है, तो इसके पीछे मैंने 3 रीजन मेंशन किए थे. पहला, इंटेंशन ऑफ ड्राफ्टिंग इज डिफरेंट. इंटेंशन टू ड्राफ्ट इज डिफरेंट. दूसरा रीजन मैंने इसके अंदर मेंशन किया था, टेन्योर ऑफ बोथ द डायरेक्टर इज डिफरेंट. फिर नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप इज डिफरेंट, नेचर एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस आर डिफरेंट.
क्लियर है। और चौथा रीजन था 175 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये एडिशनल डायरेक्टर को चलता है पर ये कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को नहीं चलता है। क्लियर है, ये चार रीजंस की वजह से एडिशनल डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट नहीं हो सकता। जैसे इंटेंशन दोनों का ड्राफ्टिंग का अलग है, एडिशनल डायरेक्टर इमरजेंसी एडिशनल वर्कलोड में आता है, कैजुअल वैकेंसी ये सिर्फ इमरजेंसी में आता है जब ओरिजिनल डायरेक्टर निपट जाए। टेन्योर अलग है, एडिशनल डायरेक्टर अगले एजीएम तक ऑफिस होल्ड करता है, कैजुअल वैकेंसी हो सकता है एक दो साल होल्ड करे जितना टर्म ओरिजिनल का बाकी है। नेचर दोनों डायरेक्टर के टर्म्स के ऑफिस का नेचर अलग है। एडिशनल डायरेक्टर 175 में अपॉइंट हो सकता है, सीवीडी अपॉइंट नहीं हो सकता। ये चार रीजन का एक छोटा सा डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए और एडिशनल डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट नहीं हो सकता है, आंसर आप खुद पढ़िए, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, गो फॉर इट फास्ट। हो गया सबका। सो यहां पे अल्टरनेट एडिशनल नॉमिनी और कैजुअल वैकेंसी का क्वेश्चनेयर होता है खत्म। क्लियर है, तो अब क्वेश्चनेयर में आपका सिर्फ अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन से एक ही कंटेंट बाकी है और वो है आपका 163 के क्वेश्चंस। हो गए ना हमारे, है ही नहीं 163 पे सवाल एक्चुअली। सो 163 के ऊपर क्वेश्चंस ही नहीं है, सो डोंट वरी,
हमारा खत्म होता है, अभी हमारे क्वेश्चन बाकी है सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, जो नेक्स्ट किसी तो भी सेशन में आएंगे, सीरियल नंबर वाइज देखते जाना है, ठीक है? चलो, क्योंकि मैं रेगुलर बैच में सीरियल नंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चन एयर लेक्चर भी उसी हिसाब से बन रहे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्वेश्चन एयर वालों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा, होल्ड होल्ड, माई मिस्टेक, नहीं, थैंक यू सो मच, नहीं, एनसीएलटी के क्वेश्चन करने हैं, वेरी, लेट्स गो। क्या थैंक यू सो मच है, ऐसे कैसे थैंक यू सो मच, आ जाइए एनसीएलटी के सवालों पे, छोटे से सवाल है, दो चार सवाल है, फटाफट फटाक कर कर लेते, ठीक है? क्योंकि एनसीएलटी का आधा कंटेंट, काम का कंटेंट तो इंस्टीट्यूट ने उड़ा दिया है, मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, जस्ट वेट। अच्छा, लेट्स गो। ओके, नाउ हम देख रहे हैं एनसीएलटी का सवाल, बहुत कम सवाल है, चार पांच ही सवाल है, क्योंकि जो मेन कंटेंट था एनसीएलटी का वो डिलीट कर दिया, और ये भी हो सकता है इसमें से कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस में से रहे, क्योंकि आपको शायद नहीं पता एनसीएलटी एनसीएलटी का 407 से 490 इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया है। किसी को अगर इससे दिक्कत है तो ये वीडियो लिंक के ऊपर जाके आप देख लीजिएगा, मैंने डिस्कशन ओपन रखा है वो, कि कौन सा सिलेबस में है कौन सा सिलेबस में नहीं है, ठीक है? चलो आ जाइए, पूरे अच्छे से बोर्ड पर ध्यान देना। एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एनसीएलटी डेटेड 30 अप्रैल 2018, पास्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सोलन मिनरल्स लिमिटेड डिसाइडेड टू फाइल एन अपील बिफोर ऑनरेबल एनसीएलटी, नैक एनसीएलटी को ऑर्डर से नैकलैट को अपील किया जा रहा है, ठीक है? ऑर्डर वॉज रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन 4 अप्रैल 2018, द एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज ऑन 22 मई 2018, डिमांडिंग हायर बोनस एंड पे। इन द व्यू ऑफ दिस, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वॉज फोर्स टू ग्राइंडिंग सॉरी फोर्स टू ग्राइंडिंग हॉल्ट ड्यूरिंग अ स्ट्राइक पीरियड, इनका हॉल्ट हो गया था ड्यूरिंग स्ट्राइक पीरियड, देयर आफ्टर द अपील वॉज फाइल्ड ऑन 6 जून, 4 अप्रैल को ऑर्डर मिला था। अब आप नैकलैट को कितने दिनों में अपील कर सकते हो, तो नैकलैट की अपील आपकी हो जानी चाहिए बेटा 45 डेज के अंदर, 45 डेज में आप नैकलैट में अपील कर सकते हो, और नैकलैट के अंदर अगर आपको 45 डेज में अपील करना है तो 4 अप्रैल से 6 जून, 4 अप्रैल से 4 जून और वहां से 6 जून, मतलब 60 दिन के ऊपर हो गए। तो अब क्या करें, ऑनरेबल नैकलैट बिफोर ऑनरेबल नैकलैट एंड दे हैव अप्लाइड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, तो क्या सफिशियंट रीजन की वजह से डिले कंडोन हो सकता है? यस, 45 डेज प्लस 45 डेज इन केस ऑफ सफिशियंट कॉज किया जा सकता है, रीजन प्लस राइटिंग में रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है? वेदर प्रपोजल अपील वुड बी एडमिटेड बाय द ऑनरेबल नेकलेट, यस सफिशियंट कॉज रहा तो एक्सेप्ट हो सकता है, इसके लिए मैंने यहां पे लिख के रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर नेकलेट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, दैट इज 45 डेज प्लस 45 डेज, ठीक है? तो एक बार नीचे आंसर देखिए, देखो पहला ही क्वेश्चन है तो मैं आंसर रीड कर रहा हूं। द पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मे प्रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, नो अपील कैन बी प्रेफर्ड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब पार्टी से कंसेंट से अगर ऑर्डर पास किया है तो कोई अपील नहीं हो सकता, ठीक है? नो अपील कैन बी प्रेफर्ड, द अपील ऑफ प्रेफर्ड विद इन 45 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एक्सटेंशन, ये खास है, हाउएवर सच एक्सटेंशन शॉल नॉट एक्सीड 45 डेज, ठीक है? एक्सटेंशन ग्रांट विद सफिशियंट कॉज आपने शो करना चाहिए। इन द गिवन केस ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर ऑन 3 अप्रैल, द कॉपी ऑफ द ऑर्डर रीच्ड ऑन 4 अप्रैल एंड द फाइलिंग अपील का लास्ट डेट अगर मैं बोलूं तो 19 मई था, लेकिन यहां पे आपने अपील डिलेड कर दिया स्ट्राइक की वजह से, तो ऐसे सिचुएशन में 45 डेज प्लस मिल सकते हैं। सो 6 जून को अपील किया, द अपील ऑन द 6 जून,
ये ऊपर सब एक्सप्लेनेशन केस का ही दिया है तो पढ़ना. बिफोर एनसीएलटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल हैज नॉट बीन प्रेफर्ड विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड अंडर 421. हालांकि अगर देखा जाए तो 19th में द अपील शुड नॉट बी अपीलेट ट्रिब्यूनल. द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू कंडोन द डिले इन द फाइलिंग अपील बट सच पीरियड शॉल नॉट एक्सीड 45 डेज. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यस एनसीएलटी कैन कंडोन द डिले. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू. Aggrieved by order of NCLT dated 5 May 2018 passed without a consent of the parties. Without a consent जरूरी है, because with consent अगर पास किया तो अपील नहीं कर सकते. ठीक है? Then employees officer went on a strike. Same repeat सवाल है, repeat question. ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. कितने गया? 422. A petitioner presented an application before the tribunal on July 18. The order was passed and available to parties in September 2018. Aggrieved party filed an appeal before NCLT in November 18. September, October, November. ठीक है, मतलब 45 डेज से ज्यादा. The appeal was pending before NACLAT for 6 months. ठीक है, examine whether the filing of appeal before NACLAT is in order. No. ये 45 डेज में करना चाहिए. अपील विद इन 45 डेज. टाइम पीरियड ऑफ लेटेस्ट फॉर विच एनसीएलटी शुड डिस्पोज ऑफ द अपील 3 मंथ्स का टाइम है 422 के हिसाब से. तो दोनों चीजें गलत है. नीचे 422 में देखो लिखा गया है 3 महीने में पिटिशन ऑफ अपील विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. वेयर एनी एप्लीकेशन और पिटिशन ऑफ अपील इज नॉट डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स द ट्रिब्यूनल The appellate tribunal shall record the reason for not disposing the application or petition. Reason record करना है within a period of 3 months and present the chairperson. आपने reason record करना है as the case में within period of present to chairperson. मतलब 3 महीने में appeal dispose नहीं करते हो तो reason record करके रखो. उसके बाद में extension आपको मिल सकता है further 3 months का अगर जरूरी लगता है तो. नहीं, extend the period of 3 months. फर्दर नॉट एक्सीडिंग 90 डेज. मतलब और 3 महीने ही बोल सकते हो पर 90 डेज बोला तो 90 डेज लिखेंगे. क्लियर है? सो नीचे बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन अपील ऑफ द ऑर्डर इज टू बी मेड विद इन 45 डेज. सो पर्सन अपील शुड बी डिस्पोज ऑफ बाय मे 2019. अपील फाइल बिफोर एनसीएलटी शुड हैव बीन डिस्पोज टिल द फेब्रुआरी 2019. यह फेब्रुआरी 2019 लिख रहे हैं ना. ये कब आया है ऑर्डर? माई मिस्टेक. हाँ, फ़रवरी 2019 तक के आपने डिस्पोज करना चाहिए. फिर 423 अपील टू सुप्रीम कोर्ट. जेएसके शेयर होल्डर ऑफ सीआरआई लिमिटेड फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द अर्स्टवाइल कंपनी लॉ बोर्ड अलीजिंग वेरियस एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सॉट सर्टन रिलीफ मेजर्स. द पिटिशन ट्रांसफर्ड टू एनसीएलटी ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. द एनसीएलटी पास्ड एन ऑर्डर ऑन 5th of October विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ये जरूरी है. उसके बाद में द शेयर होल्डर टू प्रेफर एन अपील. नेवर देन लेस शेयर होल्डर सफरिंग फ्रॉम द लो ब्लड प्रेशर. शेयर होल्डर को लो ब्लड प्रेशर था. ही वॉज मेडिकली एडवाइज नॉट टू मूव एंड डिड नॉट मूव. देयर फोर प्रेफर्ड एन अपील विद द एनएक्लैट ऑन कब? 5th December. अब देखो 45 45 90 डेज में आ रहेगा. 5 अक्टूबर. 5 अक्टूबर से 5 नवंबर और नियरली आपने करना चाहिए था 19 नवंबर तक के. पर 5 हम 3 महीने टोटल दे सकते हैं. 45 डेज प्लस 45 डेज 90 डेज दे सकते हैं. 5 अक्टूबर 5 नवंबर 5 नवंबर से 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से 5 जनवरी. ठीक है? सो यहां 5 दिसंबर को अपील किया तो चल सकता है क्या? यस, सीधा आ जाओ. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का है क्या? सुप्रीम कोर्ट का है तो 120 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है. 60 डेज प्लस 60 डेज. तो यहां देखिए, माय मिस्टेक, सॉरी. ये सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज एंड फर्दर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज विद सफिशियंट कॉज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. आप दे सकते हो फिर तो 4 महीने. मतलब आप 5 फरवरी तक के अपील कर सकते हो. क्लियर है? सो यहां पे 5 दिसंबर बिफोर द लास्ट डेट. द अपील प्रेफर्ड ऑन 5 दिसंबर जेएसके विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल हैज बीन विद इन अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर 421. यहां पे 60 डेज. कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल मे फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. सच अ सुप्रीम कोर्ट मे इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम सफिशियंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग एन अपील विद इन अ पीरियड शॉल अलाउड टू फाइल अपील विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 60 डेज. तो टोटल
420, फिर 425 से 434 मिसलेनियस प्रोविजंस के ऊपर सवाल पूछा, एक ही सवाल है, आ जाइए। एनसीएलटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन अलॉन्ग विद जुडिशियल टेक्निकल मेंबर हेयरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट चेयरपर्सन एंड द जज ऑफ द हाईकोर्ट एग्रीड बाय द पार्टीज केस चैलेंज द सैनिटी। क्वेश्चन डिलीटेड है, ये मार्च 18 के एटीपी में पूछा है, बट दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। मैं ये भी बोलता हूं, सॉरी माय मिस्टेक, होल्ड होल्ड, ओके सॉरी सॉरी, ये वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस, सेमी आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, बिकॉज ये जज ऑफ हाईकोर्ट वगैरह एक क्वालिफिकेशन का पार्ट है और क्वालिफिकेशन डिस्कस किया है 408 से 410 में, और नॉर्मली ऐसा आप मान सकते हो, लेटर इज वॉज डिस्कवर्ड दैट चेयरमैन इज अ जज ऑफ हाईकोर्ट, ये बोला है, इस सेंटेंस को आप डिलीट करो और यहां लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन इज डिफेक्टिव, तो ये हमारे सिलेबस का सवाल बन जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन इज डिफेक्टिव। और हमने ऑलरेडी देखा है 431 में कि अगर किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव रहा तो ऐसे सिचुएशन में एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स वैलिड ही रहते हैं, क्लियर है। सो यहां पे देखना, पहली बात तो 411 में बोला है, मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, द चेयरमैन ऑफ एनसीएलटी हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट चाहिए, तो यहां पर नो एक्ट और द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल शॉल बी क्वेश्चन्ड और मियरली ऑन अ ग्राउंड ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ द वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी। द गिवन केस इज डिस्कस फॉलोज, इन द इंस्टेंट केस चेयरमैन इज अ जज एंड नॉट अ चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, अकॉर्डिंगली एक्ट, अच्छा ये 411 सिर्फ रेफरेंस के लिए, हा रेफरेंस लिख के रखो, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अकॉर्डिंगली द एक्ट और द प्रोसीडिंग ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शॉल नॉट बी इनवैलिड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट, दो द अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड बट द एक्ट और द प्रोसीडिंग रिमेंस वैलिड। यहां पे आपके एनसीएलटी के सभी सवाल होते हैं खत्म, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। यहां पे क्वेश्चन और डिस्कशन खत्म होता है, सो मैं क्वेश्चन और डिस्कशन स्टॉप करूंगा। जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है वो अभी एक काम कीजिएगा, एनसीएलटी और एडिशनल अल्टरनेट के जितने सवाल हमने स्टार मार्क किए उन सवालों को उन रिस्पेक्टिव सेक्शन नंबर्स के नीचे प्लीज ऐड कीजिए क्वेश्चन नंबर, और एक एक मिनट रिवीजन का ऐड कीजिए और सभी का टोटल करके रखिए कि आपको कितना समय इन टोटल लग रहा है, ठीक है। तब तक के मैं ब्रेक लेता हूं 10 मिनट का, अच्छा ब्रेक के बाद में आपका एग्जिस्टिंग लेक्चर शुरू हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का, अच्छे से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कुछ सेक्शन स्पेशल कोड और रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के भी डिस्कस किए हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, स्पेशल कोड और रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के कुछ सेक्शन रिवीजन मैंने लिए है, आप प्लीज उसको इग्नोर करना, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को आपने थोड़ा सा याद करना, लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है 4 घंटे तक, वैसे भी हम 3.5-4 घंटे पढ़ते ही है नॉर्मली, तो 4 घंटे तक एक्सटेंड हो सकता है, उसके बाद में मेडिटेशन वगैरह शुरू होगा, तो इस चीज के लिए आपने थोड़ा सा रेडी रहना, ठीक है। सो यहां पर ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, गो फॉर इट फास्ट। क्वेश्चन एयर लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है।